वसा, फैट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए जो वसा होती है ना, ये दूध में इमल्सन के फॉर्म में पाया जाता है। इमल्सन का मतलब क्या है कि ये मान के चलिए ये इस कटोरी में दूध है, दूध रखा हुआ है। ठीक है, अब दूध में ना छोटे 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 गोला के रूप में ये फैट पाया जाता है, इसी गोला को ही बोलते हैं इमल्शन के रूप में। आप लोग सपोज मान के चलो कि एक गिलास ले लो, अब गिलास में पानी डाल दो आधा गिलास। ठीक है, अब उसमें जो है कुछ तेल डाल दो, तो तेल क्या पानी में घुलता है? नहीं घुलता है ना, तो वो जो है बूंद बूंद करके जो है ना आपको ऊपर तैरता हुआ दिखाई देगा। ठीक उसी प्रकार से जो है दूध के अंदर भी गोला गोला के रूप में जो है वसा पाया जाता है, इसी को क्या बोलते हैं इमल्सन फॉर्म। इसी को क्या बोलते हैं इमल्सन फॉर्म। इसको जब चाहे आप उसको इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा चेंजेबल रहते हैं। आप इस